रे ऑप्टिक एग्जाम्पल नंबर फोर. सपोज व्हाइल सिटिंग इन ए पार्क्ड कार यू नोटिस ए डॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड यू इन द साइड व्यू मिरर ऑफ रेडियस ऑफ क्रिएचर इज इक्वल टू 2 मीटर. क्वेश्चन में कहा गया है कि सपोज कर लीजिए कि आप एक पार्क कार के अंदर बैठे हैं, मींस कार रेस्ट पे है, और आप कार के साइड व्यू मिरर के अंदर, उस मिरर की रेडियस हमें 2 मीटर गिवन है. इसमें आप ऑब्जर्व करते हैं कि एक जॉगर आपकी तरफ आ रहा है. जॉगर मीन्स वो पर्सन जो जॉगिंग कर रहा है या रन कर रहा है. हमें उस जॉगर की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड गिवन है. क्वेश्चन में यह पूछा है कि उसकी इमेज की स्पीड क्या होगी, और इसके लिए जॉगर के अलग अलग डिस्टेंस गिवन है. ए पार्ट जब वह जॉगर 39 मीटर पे होगा, फिर जब वह 29 मीटर और फिर 19 मीटर, और डी पार्ट जब वह 9 मीटर अवे होगा. आइए हम सॉल्यूशन को समझते हैं. जैसा कि हमें पता है कि साइड व्यू मिरर एक कन्वेक्स मिरर होता है, और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और हमें यह भी पता है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है. यहाँ से फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 1 मीटर. हम पहले ए पार्ट को करते हैं. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज ही हमें नेगेटिव लेना होता है, तो यू आ जाएगा -39 मीटर. अब हम मिरर इक्वेशन का यूज करते हैं और इमेज की पोजीशन फाइंड कर लेते हैं. मिरर इक्वेशन होती है 1/v, 1/u = 1/f. इसे हम रीअरेंज करेंगे तो यह आ जाएगा v = f(u)(u-f). अगर हम इस फॉर्मूले में विद साइन कन्वेंशन वैल्यूज को रखेंगे, तो पहले हमने ऊपर और नीचे नेगेटिव कॉमन ले लिया, और नीचे यह बन जाएगा 39+1, और ऊपर बन जाएगा 39 × 1, जो कि आ जाएगा 39/40 मीटर. यह हमारे पास इमेज की पोजीशन आ गई. पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बता देता हूँ. इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यह है कि स्पीड एक्चुअली में डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम होती है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है. अभी हमने पहले एक पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस निकाल लिया. हम समझ सकते हैं कि अगले एक सेकंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर कम हो जाएगा, क्योंकि वह जोगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार की तरफ मूव कर रहा है. तो इसके लिए हम दोबारा ऐसे ही फॉर्मूला लगा के इमेज का डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि अब की बार आएगा 34/35 मीटर. तो हम समझ सकते हैं पहले जो इमेज का डिस्टेंस आया था वह 39/40 मीटर आया था, और जस्ट उसके अगले सेकंड में, मींस एक सेकंड के अंदर ही इमेज की पोजीशन 34/35 मीटर आ गई. इससे हम इमेज की पोजीशन एक सेकंड में कितनी शिफ्ट हुई वो निकाल लेंगे. तो हमारे पास पहले इमेज की पोजीशन 39/40 मीटर थी, और एक सेकंड बाद इमेज की पोजीशन 34/35 मीटर हो चुकी. इसे हम सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5/1400, और यह इक्वल टू होगा 1/280 मीटर. यह एक्चुअली में इमेज के अंदर कितना शिफ्ट हुआ एक सेकंड में यह आया. इसी को हम इमेज की एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं. मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ. सबसे पहले हमें किसी भी एक गिवन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस निकाल लेना. सेकंड स्टेप के लिए हमें आफ्टर 1 सेकंड ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन के लिए इमेज की नई पोजीशन निकाल लेनी है. इमेज की दोनों पोजीशन का डिफरेंस निकाल के हमारे पास यह आ जाएगा कि एक सेकंड में इमेज कितना मूव करी, यही हमारे लिए इमेज की वेलोसिटी होगी. तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएंगे बी पार्ट का 1/50 मीटर पर सेकंड, सी पार्ट का 1/60 मीटर पर सेकंड, एंड डी पार्ट का 1/10 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली. आई होप सो आपको यह सब समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.